हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आज मैं बात करने वाली हूँ आपको बेबी बॉय सिमटेन्स में आठ लक्षणों में से भी अगर तीन या चार लक्षण आपको सेम मिलते हैं तो आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं मैं यहाँ पर अपने ही सिमटेम्स आपको बताऊंगी जो मुझे बेबी बॉय के समय हुए थे उसी सिमटेन्स पर हम बात करेंगे इसके साथ ही दादी नानी के द्वारा बताए हुए जो सिम्टेन्स रहते हैं उस पर भी बात करेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप हमको पूछ सकते हैं तो फर्स्ट है आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है आपकी उसमें जो बेबी के हार्ट बीट रहती है अगर 140 से ऊपर है तो आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं अगर एक सौ चालीस से नीचे रहती है तो आप बेबी गर्ल को कंसीव करने वाले हैं हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर जो मेरी खुद की थी सोनोग्राफी रिपोर्ट उस पर वीडियो बनी हुई है आप देख सकते हैं सेकेंड सिमटेन्स है आपके सोने की पोजिशन अगर आपको बाई करवर्ट यानी लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छे तरीके से नींद आती है कंफर्ट तरीके से नींद आती है तो आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं ये सेम सिमटेन्स मेरे साथ भी था पूरे नाइन्थ मंथ इसके साथ ही नेक्स्ट सिम्टेंस है आप बेबी का जो नबलिंग प्रशिक्षण रहता है उससे भी आप जान सकते हैं कि आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं बेबी गर्ल को नेक्स्ट है चटपटा या तीखा या स्पाइसी खाना आपको अगर तीखा स्पाइसी खाना बहुत अधिक पसंद आने लगा है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद तो ये भी सिमटम्स बेबी बॉय के साथ ही जोड़कर देखा गया है ऐसे ही हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं जिसमें जिन लोगों ने अभी तक बेबी बॉय कंसीव किया है उनको बहुत अधिक स्पाइसी और चटपटा खाना पसंद आता है इसके साथ मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो मेरे साथ हुए या दादी नानी बताते हैं उनके अनुसार या जो लोग हमसे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स करके बताते हैं नाइन्टी एट प्रतिशत जो महिलाएं है रहती हैं उनके सेम सिम्टम्स रहते हैं लेकिन कुछ कुछ के फाइव तो परसेंट या टेन परसेंट महिलाओं के जो बेबी बॉय के समय रहते हैं उनको यही सिम्टम्स बेबी गर्ल के समय भी होते हैं तो आप वीडियो पर पूरी तरह निर्भर ना रहें वीडियो सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए है ये जेंडर प्रडिक्शन को कोई बढ़ावा नहीं देती है क्योंकि हर माँ जानना चाहती है कि वो आने वाली संतान क्या होगी उसके लिए बेबी बॉय होगी या बेबी गर्ल जबकि माता पिता के लिए दोनों ही संतानें बहुत अच्छी प्यारी रहती हैं अगर आप बेबी गल नन्ही नन्नी सी परी भी आपको आती है तो ये बहुत बड़ी और खुशी की बात है नेक्स्ट सिम्टम है उल्टी जैसा होना अगर आपको फर्स्ट मंथ के बाद ही लगातार उल्टियाँ हो रही हैं तो ये भी बेबी बॉय के साथ इसका सिम्टम जोड़ा गया है और आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है या कड़कपन महसूस लगता है तो इसका सिम्टम्स भी बेबी बॉय के साथ ही जोड़ कर देखा गया इसके अलावा आपका मूड बार बार चेंज हो जाता है ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है देखा गया है कि उन महिलाओं ने अभी तक बेबी बॉय को कंस्यू किया है नेक्स्ट सिम्टम्स से चेहरे पर कील मुहासे होना किसी किसी को बेबी बॉय के समय चेहरा बहुत अधिक डार्क पड़ जाता है स्किन काली पड़ जाती है पेट पर पैरों पर बहुत अधिक खुजली आती है तो उनको भी बेबी बॉय ही होता है नेक्स्ट है पेट का आकार लंबाई में होना अगर आपका पेट लंबाई है चौड़े जैसा दिखता है तो आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं इसके साथ नेक्स्ट सिम्टम्स है पैरों में सूजन आना अगर आपके पैरों में सूजन आ गई है पैरों में हल्का दर्द रहता है यानी जो आपका सीधी तरफ का दाएं तरफ का पैर बहुत अधिक दर्द करता है एक ही पैर तो उसमें भी आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं ऐसा देखा गया है कि उन महिलाओं ने अभी तक बेबी बॉय को कंसीव किया ये सेम सिम्टम्स मेरा भी था इसके साथ ही अगर आपके पेट के नीचे ना भी मैं थोड़ा कड़कपन लगता है आपको चुभन जैसी महसूस होती है तो ये भी बेबी बॉय का सिमटम्स जोड़ा गया है नेक्स्ट है पीठ में दर्द होना अगर आपके पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो गया है तो ये भी बेबी बॉय के साथ ही इसका सिम्टम्स जोड़ा गया है नेक्स्ट सिमटेम्स है सर में दर्द होना अगर आपके सर में भारीपन लगता है आपके सर में बहुत अधिक पेन होता है या हल्के चक्कर आते हैं तो इसका सिम्टम्स भी बेबी बॉय के साथ ही जोड़कर देखा गया है हमने यहाँ इतने सिम्टेन्स की बात करी अगर आपको तीन भी सिमटम्स सेम होते हैं तो आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं सो so, फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कुछ क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताए थे दादी नानी के बेसिस पर बताए थे और जो हमसे जुड़े हुए हैं जो हमें कमेंट्स करके बताते हैं उनके सेम सिम्ट हमने आपको यहाँ बताया था आपके साथ कौन से सिम्टम्स होते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर किए जी थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो